हेलो गाइस, माई सेल्फ पटेल जय फ्रॉम डॉल्फिन एकेडमी। लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन। सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर कंटेन्स 8 to 9 मार्क्स वेटेज। ये चैप्टर में से 8 से 9 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है। जनरली ये चैप्टर में से 4 मार्कर आता है, 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा एक, यानी 4 मार्क के न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछे जाते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है या 2 मार्क का भी क्वेश्चन, यानी एक आएगा थियरी क्वेश्चन, यानी एक थियरी कंपलसरी ये चैप्टर में से आएगी और बाकी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से ये पूरे चैप्टर को डिवाइड हमने किया हुआ है बिकॉज बोर्ड में इसका वेटेज टोटल 8 से 9 मार्क्स का है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज नथिंग बट द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग सॉल्यूशन। व्हाट इज द चैप्टर नेम? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमको अगर पता हो तो सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन हम बनाते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? लेमन वाटर, लेमन वाटर प्लस, जो लेमन में से वाटर निकलता है वो, प्लस सिंपल वाटर। तो इज इक्वल टू क्या हुआ? इज इक्वल टू क्या हुआ? लेमन वाटर और वाटर दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, तो जो बना उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, यानी दो चीज अगर किसी में मिक्स हो तो उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल अपन ये भी ले सकते हैं कि अपन जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस होता है। क्या होता है? CO2 गैस होता है। CO2 गैस में, CO2 गैस को लिक्विड के साथ मिक्स कर दो, लिक्विड के साथ मिक्स कर दो तो क्या बनेगा? वो सोडा, पता है? तो ये सोडा जो है, ये सोडा जो है उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, सो CO2 गैस प्लस लिक्विड तो बोला जाएगा सोडा। ओके, नाउ अगर हम बोले कि ग्लूकोस, ग्लूकोस कभी कभी बीमार हो जाते हैं या डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ग्लूकोस का पानी पियो। तो जो ग्लूकोस होता है उसको अगर हम किस में डाल दें? वाटर के अंदर डाल दें। तो ग्लूकोस को अगर वाटर में डाल दें तो बनेगा ग्लूकोस वाला जो वाटर बनेगा उसको बोला जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये टाइप के सॉल्यूशन हमको पता है। और एक सॉल्यूशन भी अगर आपको देखना हो आपके बुक के हिसाब से तो एक गोल्ड भी इन लोगों ने लिया हुआ है। गोल्ड, गोल्ड भी सॉल्यूशन है। क्यों गोल्ड सॉल्यूशन है? बिकॉज जो होता है हमारे यहाँ जो मिलता है वो 24 कैरेट सोना नहीं होता है, 24 कैरेट वो गोल्ड नहीं होता है। उसमें 2%, 3% कॉपर की इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। किसकी इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं? कॉपर की इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। जब हम कॉपर की इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तभी जाके ये गोल्ड बनेगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज नथिंग बट दी सॉल्यूशन। ये चैप्टर में पहले से मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर में हम क्या करेंगे? हम ये काम करेंगे कि दो चीज आएगी जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो दो चीज आएगी। टू थिंग्स विल बी दैट, वन इज द सॉल्यूट, वन इज द सॉल्यूट प्लस सेकेंड इज द सॉल्वेंट। क्या आएगा? दूसरा आएगा सॉल्वेंट। अगर मैं यहां पे बात करूं लेमन वाटर प्लस वाटर के रिलेटेड तो सॉल्यूट होगा वो होगा लेमन वाटर और सॉल्वेंट होगा वो होगा वाटर। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, 98% केसेस, 2% केस को निग्लेक्ट करते हैं, 98% केसेस में सॉल्यूट कम होगा, यानी सॉल्यूट का प्रपोर्शन जो होगा वो लो होगा, बहुत कम सॉल्यूट होता है, प्रपोर्शन सॉल्यूट का बहुत कम होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट का प्रपोर्शन बहुत कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा। अगर ये एग्जाम्पल के रिलेटेड मैं बात करूं लेमन वाटर प्लस वाटर इट गिव्स द सॉल्यूशन,
तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हुआ, वाटर क्या हुआ सॉल्वेंट, और लेमन वाटर जो है वो क्या हुआ सॉल्यूट हुआ। यहाँ पे इस एग्जांपल के रिलेटेड अगर हम बात करें तो वाटर जो एज अ लिक्विड हमने लिया था, वाटर क्या होगा सॉल्वेंट होगा, और CO2 क्या होगा सॉल्यूट होगा। ग्लूकोज जो था वहां पे सॉल्यूट, और वाटर क्या बनेगा सॉल्वेंट। यानी एक सिंपल चीज बताऊं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो एक चीज पक्की है। कौन सी पक्की है? कि हम सॉल्यूट जो होगा वो कम लेंगे और सॉल्वेंट ज्यादा देंगे। पूरे चैप्टर में मैं सॉल्वेंट को ए लिखूं, यानी कहीं पे भी ए मैं मेंशन करूं आपको समझ जाने का कि वो है सॉल्वेंट, ध्यान से समझना, कहीं पे भी मैं ए डिनोट करूं तो उसका मतलब है वो है सॉल्वेंट, और जहां पे भी सॉल्यूट होगा वहां पे भी मैं बी मेंशन करूंगा, ठीक है, जो हो जाएगा सॉल्यूट। सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, बाय दिस यू कैन मेक। नाउ दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू सॉल्यूशन, कि कैसे सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन टू अनदर टॉपिक जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के रिलेटेड हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के रिलेटेड बात करें तो टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है आपकी बुक में, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको मेंशन किए हैं। एक है बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान से समझना, एक है बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा जो सॉल्यूशन आपको दिया है वो है क्वांटिटरी सॉल्यूशन। क्वांटिटरी सॉल्यूशन, ठीक है। सो बाइनरी सॉल्यूशन के रिलेटेड अगर बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन में ओनली टू कंपोनेंट्स होंगे। टू कंपोनेंट कितने होंगे? टू कंपोनेंट्स ही होंगे। जब दो ही कंपोनेंट्स मिक्स होके जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यानी एक होगा ए और दूसरा होगा बी, ए ज्यादा होगा जो मैंने लास्ट बताया, वैसे ये याद रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ए होगा वो सॉल्वेंट, यानी ए हमेशा ज्यादा होगा, सॉल्यूट जो होगा कम। सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दैट इज नथिंग बट द टू कंपोनेंट्स ही होंगे, ए होगा और दूसरा बी होगा। ए और बी दोनों मिला के जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा जो होगा वो होगा क्वांटिटरी सॉल्यूशन। सो क्वांटिटरी सॉल्यूशन में थ्री कंपोनेंट्स होंगे, कितने कंपोनेंट्स होंगे? थ्री कंपोनेंट्स विल बी देयर। थ्री कंपोनेंट आप बोलोगे सर कैसे थ्री कंपोनेंट्स होंगे, तो देखो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे आपने लेमन वाटर लिया, फिर सॉल्ट लिया, फिर नॉर्मल वाटर लिया, कितनी चीज हुई देखो, तो एक तो लेमन वाटर, एक सॉल्ट, एक नॉर्मल वाटर, ये तीनों मिलाए और थ्री कंपोनेंट्स हुए, और सब ये तीन कंपोनेंट को मिला के हमको क्या मिला? सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन को बोलते हैं हम क्वांटिटरी सॉल्यूशन। आपको इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के रिलेटेड बताया गया है कि कैसे बाइनरी सॉल्यूशन को हम एलेबरेट करते हैं। सो लेट्स गो ऑन टू द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के रिलेटेड समझते हैं कि क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में हमने जैसे बात किया कि बाइनरी सॉल्यूशन में एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है, यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा। सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दो चीज होंगी, तो सॉल्वेंट होगा ए और सॉल्यूट होगा बी। तो सॉल्वेंट तीन टाइप के हो सकते हैं फिजिकल स्टेट, और सॉल्यूट के भी तीन फिजिकल स्टेट पॉसिबल है। कौन कौन सी बताओ, पढ़े हुए हो 9th स्टैंडर्ड में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉल्यूट में भी क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड
एंड कैस। सो इसके रिलेटेड हम एक टेबल पढ़ेंगे कि कैसे ये सारा एलिब्रेट होता है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है? सो लेट्स गो ऑन टू द टेबल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल में से एक मार्कर क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा, कंपलसरी है। हर बोर्ड की एग्जाम में से ये टेबल में से एक मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से समझना है ये, ठीक है? चलो वापस हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि ए होगा सॉल्वेंट, बी होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। सिंपल और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, नमक वाला पानी। तो नमक जो होगा वो होता है सॉलिड, NaCl जो होता है अपने घर में जो नमक होता है वो होता है सॉलिड, और वाटर जो होता है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है? तो नमक है सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट। वाटर ज़्यादा ही होगा, पूरा ग्लास पानी भर दोगे, और नमक कितना लोगे? एक चमची। सो सॉल्यूट क्या हुआ? सॉल्यूट क्या हुआ? नमक। और सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर। वाटर का प्रपोजन ज़्यादा है, जिसका प्रपोजन ज़्यादा हो उसको बोलता है सॉल्वेंट। ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा। चलो अब हम लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन। किसको क्या लेते हैं? गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट यानी क्या? ज्यादा। अब गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए यानी सब क्या होंगे? गैस ही होंगे। गैस गैस और गैस, समझ में आ रहा है? जिसका सॉल्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। चलो सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट एक तो हो सकता है सॉलिड, दूसरा हो सकता है लिक्विड, और तीसरा हो सकता है गैस। चलो गैस सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट सॉलिड हो, वैसा एग्जाम्पल कौन सा? समझो, बहुत इजी है। सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। तो वैसा एग्जाम्पल कौन सा? वैसा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कौन से ले सकते हो? डस्ट पार्टिकल इन एयर। डस्ट पार्टिकल इन एयर क्यों? डस्ट पार्टिकल है वो, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे और सॉलिड टाइप के होते हैं। कभी कभी जो सनरेज आती है उसमें आपके घर में देख पाते होंगे, थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स जैसे एयर में वन टाइप ऑफ फ्लाइंग करते होते हैं, ठीक है? सो डस्ट पार्टिकल इन एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ, इज द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस, तो लिक्विड गैस का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, तो ये ले सकते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं चलो इसके रिलेटेड। एक तो आपको पता है, एक तो आपको पता है क्या? कभी कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमको चिपका चिपका लगता है, ठीक है? अपने पसीना ज़्यादा होता है और वी आर नॉट फीलिंग गुड। तो यो जो ह्यूमिडिटी होती है, क्या ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंड गैस? क्योंकि एयर तो होगा, एयर यानी क्या? गैस तो होगा। सो एयर ज्यादा ही होती है लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर लिक्विड होता है। सो ह्यूमिडिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है। फिर और एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ N2 गैस, ठीक है? सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी कैन टेक। अब है गैस गैस। गैस गैस तो बहुत इजी है भाई, ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 इन एयर, सारे गैसेस जो एयर के अंदर होते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 इन एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड गैस। सो दिस इज नथिंग बट दी गैसियस सॉल्यूशन। आपको समझ में आया? एकदम इजी है। सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस कैसे होता है, दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है? नेक्स्ट इज दैट लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन के रिलेटेड अगर हम बात करें, तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट यानी ज्यादा। सॉल्वेंट यानी हमने जो आगे डिस्कस किया, वो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है सॉलिड, सॉरी सॉल्वेंट।
सो लिक्विड में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो लिक्विड में सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, तो यहां पे सब में तो लिख देने का, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और लिक्विड में क्या सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं, सॉल्यूट तो क्या लेंगे पहले, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। चलो लिक्विड के अंदर सॉलिड बहुत इजी है, मैंने अभी आगे बताया था, हम सॉल्ट को डालते हैं ना, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट अपने घर में जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और वाटर क्या होता है, वाटर होता है लिक्विड और सॉल्ट होता है सॉल्यूट। दूसरा भी ले सकते हैं, कौन सा, सुगर प्लस वाटर, सुगर क्या है, सुगर है सॉलिड और लिक्विड है वाटर, हो गया लिक्विड प्लस लिक्विड, बहुत इजी है। अल्कोहल जो वाइन होती है, शराब जो लोग पीते हैं, तो शराब में क्या होता है, अल्कोहल तो होता ही है, प्लस अल्कोहल प्लस क्या होता है, वाटर, ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, वाटर ज्यादा और अल्कोहल कम होता है, ठीक है। फिर गैस और लिक्विड की अगर हम बात करें, तो बहुत हम पीते हैं वो सोडा है ना, तो क्या CO2 और वाटर, CO2 जो गैस होगा वो कम होगा और लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी लिक्विड सॉल्यूशन। चलो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या आएगा, सब जगह सॉल्वेंट सॉलिड सॉलिड सॉलिड, क्यों, इट्स वेरी इजी दैट सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर, सॉल्वेंट ज्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था आपको, 24 कैरेट गोल्ड पॉसिबल नहीं है, सो क्या 24 कैरेट गोल्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे याद रखने का, हाँ आपको, तो क्या होगा, Au प्लस Au यानी गोल्ड और कॉपर, ये दोनों का मिक्स होके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो Au और Cu, तो उसमें Au क्या होगा, सॉलिड ही होगा, वो ज्यादा होगा, और Cu जो होगा वो कम होगा, ठीक है। सो अच्छे से शेप दे पाए, सॉलिड का लिक्विड के साथ अगर हम बोले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, NaHg एमालगम सॉल्यूशन, कौन सा आएगा, एमालगम सॉल्यूशन, ये थोड़ा आपको आगे के चैप्टर में आएगा, तब आपको पता चलेगा, दिस इज अ वेरी नाइस कैटालिस्ट, एमालगम फोर्थ सॉरी सिक्स चैप्टर में ये आएगा आपको, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो तब देखेंगे अपन, और ये लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गैस इन सॉल्यूड, तो गैस और सॉलिड के रिलेटेड अगर हम बात करें, गैस और सॉलिड के रिलेटेड, तो ये भी है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी आपको सिक्स चैप्टर में आएगा एडसोर्प्शन में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये चैप्टर आप में ये टेबल आप अच्छे से समझना, करना, सॉल्वेंट सॉल्यूट, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल में से एक, मेरी बात मान लो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, अगर आपने अच्छे से उसको लर्न कर लिया, इसमें से ही MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चल लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट थिंग, इज दैट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द मैथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, सो इन दिस टॉपिक लेट्स स्टार्ट विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, यानी कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसके रिलेटेड ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है आपको, इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये चैप्टर में से मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझना, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला इसमें से ही बनेंगे सारे, ठीक है। चलो फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, मास परसेंटेज,
क्या है? मास परसेंटेज, ठीक है? उसको बोला जाएगा नेक्स्ट लैंग्वेज में डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। क्या बोला जाएगा? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी किसका मास परसेंटेज? हमारे पास दो ही चीज होगी भाई, दो ही चीज होगी, ए होगा दूसरा होगा बी। ए को बोलेंगे सॉल्वेंट, बी को बोलेंगे सॉल्यूट। तो अगर ए का मास परसेंटेज फाइंड करना है यानी परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू ए फाइंड करना है तो क्या करेंगे? डब्ल्यू ए ऊपर लेंगे, नीचे क्या करेंगे? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी करेंगे, ठीक है? अब परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे? डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। आपको यहां पे लिखना है वेर डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, मैं हर बार नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है, लेकिन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट है, और डब्ल्यू बी क्या है, सॉल्यूट का वेट है। ठीक है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी समझ में आ रहा है? सो परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू एंड परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बी। अब हम बात करें एक एग्जाम्पल इसके रिलेटेड, छोटा सा लेते हैं कि कैसे ये हमको पता चलता है। जैसे मैं बात करूं, समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, 10% ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर आपके पास 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, अगर आपके पास 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन ए सी एल है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ एन ए सी एल है। क्या है? 10 ग्राम ऑफ NaCl है और 90 ग्राम ऑफ वाटर है। 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन मतलब क्या? 10 ग्राम ऑफ NaCl जो कम है उसको क्या बोलेंगे? बी। जो ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? ए। तो यहां पे सॉल्वेंट क्या है? 90 ग्राम ऑफ वाटर, और सॉल्यूट क्या है? 10 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है? तो इस हिसाब से आप मास ऑफ परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हो। बुक में थोड़े डिफरेंट फॉर्मूला है, मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं उस हिसाब से जाना है आपको, वरना फंस जाओगे। आपको मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे ही जाना क्या है, बुक में यही दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ दिया होगा, तो आप मैं जैसे जा रहा हूं वैसे आपको समझना है और लिखना है, ठीक है? चलो, दिस इज नथिंग बट द मास परसेंटेज। नेक्स्ट इज दैट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम परसेंटेज। चल, वही फॉर्मूला, वेरी सिंपल। कैसे होगा? देखो कैसे होगा, हमको पता है, क्या पता है? वी ए होगा और दूसरा क्या हो सकता है? वी बी। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी, और वी बी होगा तो क्या करेंगे? ऊपर वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करने हैं तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। वेर वेर वी ए इज वॉट? सॉल्वेंट वॉल्यूम, अच्छे से लिखना भाई, सॉल्वेंट वॉल्यूम अच्छे से लिखना भाई। और वी बी क्या होगा? सॉल्यूट वॉल्यूम, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट दी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसका यूज कहां पे होता है, उसका यूज कहां पे होता है? तो अगर हम बात करें कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, तो उसका मतलब क्या होगा पता है आपको? जैसे 10% इथेनॉल इन वाटर, जिसका मतलब आपको पता है क्या होगा?
ये शराब की जो बोतल होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कितना परसेंटेज होता है। आप देखना कभी कहीं बाहर मिल जाए आपको बोतल बोतल रास्ते में तो एक बार देख लेना, ठीक है, कि क्या होता है 10% इथेनॉल इन वाटर। यानी क्या इसका मतलब? ये हुआ कि 10 ml इथेनॉल 100 ml वाटर के अंदर मिक्स है। समझ में आ रहा है? 10 ml इथेनॉल 100 ml वाटर के अंदर मिक्स है। यानी इथेनॉल जो है वो हुआ बी, क्या हुआ बी, यानी क्या सॉल्यूट, कम कम यानी सॉल्यूट, और 100 ml वाटर यानी क्या, 100 ml वाटर यानी क्या, 100 ml यानी वाटर जो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी सॉल्वेंट, तो ये होगा ए। ओके, सो इस हिसाब से भी आपको ये रिलेटेड समझ में आ सकता है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है कि 35% V/V इथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ में आता है देन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि 35% V/V इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन जो है वो होता है एंटी फ्रीज। समझा रहा हूं, एक बार लिख लेने दो मुझे, एंटी फ्रीजिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है? एंटी फ्रीजिंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाई? एंटी फ्रीजिंग का मतलब क्या आपको पता है? समझो क्या, कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है तो वो हो जाएगा सॉलिड, बर्फ, आइस। पता है ना ये? अब श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वो जगह तो -10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। आप सबको पता है, आपके पापा से पूछना कि गाड़ी में वो लोग क्या लगाते हैं, कूलेंट होता है, कूलेंट। कूलेंट का काम क्या है? रेडिएटर को स्लोप, यानी जब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो रेडिएटर के ऊपर वाली जो पाइप होती है वहां पे कूलेंट लगाया जाता है। अब कूलेंट अगर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा उस साइड पे जब विंटर में -डिग्री चला जाता है तो कूलेंट तो क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो एंटी फ्रीजिंग यानी जो चीज होती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम करना है। यानी अगर आपने वाटर लिया और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे ले जाना है तो वाटर के अंदर इथिलीन ग्लाइकोल आप ऐड कर दो। वाटर के अंदर क्या कर दो? इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर दो। फिर भले टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस जाए फिर भी वो फ्रीज नहीं होगा। सो एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी के लिए इथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि जो कूलेंट होते हैं उसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो ऐड किया जाता है, जो एंटी फ्रीजिंग पर्पस में याद आता है। क्योंकि 0 डिग्री पे तो जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन हमको फ्रीज नहीं होने देना है, क्योंकि फ्रीज हो जाएगा तो कूलेंट रहेगा नहीं, रेडिएटर चलेगा नहीं अच्छे से। सो वो प्रॉपर्टी के लिए इथिलीन ग्लाइकोल हमको ऐड करना है जिससे फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे ले जा सकता है, ठीक है। सो दिस एग्जाम्पल हैज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो मैंने इसको भी कवर किया। नाउ लेट्स गो ऑन टू द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, लेट्स गो दैट पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन PPM, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नाउ PPM ये कहां पे यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन, पता है? देखो बीच में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया था तो ये बोलते हैं कि 3% SO2 का जो 3% PPM ऑफ SO2 गैस आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, या 2%, 1%। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसका प्रपोर्शन पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है, ठीक है। चलो उसका फॉर्मूला लेते हैं, उसका फॉर्मूला लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? पी पी एम यानी क्या,
डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी अपॉन अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम ये आपको लेना है लीटर में। याद रखना मैं जहां पे लीटर एल मेंशन कर रहा हूं यानी वॉल्यूम लीटर में लेना है, ध्यान रखना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी डब्ल्यू बी इंटू 10^2, आपको यहां पे दिया है ऐसे 10^6, सो उससे आपको पीपीएम मेजर हो सकता है। ठीक है, अब अगर अगर आप ये प्रोपोर्शन के रिलेटेड बात करो यानी पीपीएम डब्ल्यू बी अपॉन वॉल्यूम इंटू 10^6, सो डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा? डब्ल्यू बी का मतलब होगा मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कितने, ये पीपीएम का मतलब क्या होता है, कितना पॉल्यूशन है ये समझाने के लिए ये पीपीएम यूज होता है और कुछ है नहीं। कितना पॉल्यूशन है ये समझाने के लिए पीपीएम यूज होता है। ठीक है, सो पॉल्यूटेंट यानी पॉल्यूशन मेजर करने के लिए ये सारा यूज होता है। आपके बुक में इसके रिलेटेड ये दिया गया है कि भाई 6 × 10^-3 ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, सच कॉन्सेंट्रेशन इन एटमोस्फियर, सो ये सारी जगह पीपीएम यूज होता है। इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना पार्ट्स पर मिलियन दैट इज नथिंग बट द पीपीएम। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ वन वो है डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम, क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम, ये परसेंटेज। डब्ल्यू यानी क्या? डब्ल्यू यानी क्या? मास, वेट हमेशा मास ही होता है, वन टाइप ऑफ वेट, मास एक ही है, और वी का मतलब क्या? वॉल्यूम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। फॉर्मूला मैं जो करा रहा हूं वही फॉर्मूला करनी है, आप बुक की में बुक में ज्यादा देख के कंफ्यूज मत होना। सो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या होगा? 100 × मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी क्या? डब्ल्यू बी, वो कंपलसरी हमें किलोग्राम में लेना है। याद रखना मैं जैसे लेता हूं वैसे ही न्यूमेरिकल करना वरना आंसर्स नहीं आएंगे। सो डब्ल्यू बी किस में लेना है? किलोग्राम में। और नीचे वी किस में लेना है? वी, पूरा वी यानी क्या? वो तो वी सॉल्यूशन का ही होता है, यहाँ पे लिखने की जरूरत, फिर भी लिख रहा हूँ वी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी वी सॉल्यूशन का ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वी सॉल्यूशन का होगा, वो क्या होगा? लेटर में। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई वी, 100 × डब्ल्यू बी इंटू अपॉन वी सॉल्यूशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप ले सकते हो परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई वी के लिए। ठीक है, जब ये आएगा तब अपन देखेंगे और आपको ज़्यादा पता चलेगा, इसके रिलेटेड भी एग्जाम्पल से हम आएंगे तब। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलरेडी हमको मैंने 11th में ये कराया था लेकिन वापस करा रहा हूँ, मोलारिटी। क्या आएगा? कहाँ तक आपने किया? फोर्थ तक किया ना, चलो फिफ्थ आएगा मोलारिटी, फिफ्थ आएगा मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या? कैपिटल एम, कैपिटल एम यानी मोलारिटी। अच्छे से देखना मोलारिटी। ठीक है, चलो तो मोलारिटी का फॉर्मूला करते हैं। कैपिटल एम इज नथिंग बट दी सॉल्यूट ऑफ मोल, सॉल्यूट्स ऑफ मोल्स यानी उसका फॉर्मूला होगा एन बी, सॉल्यूट यानी क्या? बी, और मोल्स यानी एन, एन बी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट दी सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, सो जो होगा वी, और वी कंपलसरी हमको लेना है लीटर में। किसमें लेना है? लीटर में। ये लीटर्स वर्ड किलोग्राम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ये याद रखना। ठीक है, अब अगर यहां पे अपन देखे एन बी, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, जहां पे डब्ल्यू बी का मतलब क्या? डब्ल्यू बी का मतलब वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और एम बी का मतलब क्या होगा?
मोलेक्युलर मास, मोलेक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो डब्ल्यू बी इज द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड एम बी इज मोलेक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मोलारिटी फाइंड करनी है। ये मैंने ऑलरेडी 11th में एक बार पढ़ा है, वापस आ रहा है टॉपिक, तो वापस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक बात याद रखना, ये मोलारिटी जो है ना भाई, मोलारिटी जो है ना, मोलारिटी चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। समझा रहा हूं, देखो मोलारिटी चेंज होती है विद टेम्परेचर। क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, धीरे धीरे टेम्परेचर करोगे, तो फ्रीजिंग के हिसाब से जाएगा, ठीक है, तो भी वॉल्यूम प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम का डिपेंडेंट टेम्परेचर के ऊपर है। वॉल्यूम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, सो मोलारिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। सो मोलारिटी चेंज विद द टेम्परेचर, ये मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ऐसे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आएगा मोलालिटी। देखो ये है मोलारिटी, कैपिटल एम, और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा मोलालिटी, दैट इज नथिंग बट द सिक्स्थ टॉपिक, मोला लिटी, मोला लिटी, मोला लिटी, स्मॉल एम, स्मॉल एम, ठीक है। चलो स्मॉल एम, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या है? एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, वेर एन बी इज व्हाट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब डब्ल्यू ए आपको लेना है किलोग्राम में, ठीक है। अब एन बी का फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं, ये तो पता है, फिर भी लिख रहा हूं, एन बी इज नथिंग बट दी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मोलालिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो सेवन टॉपिक पे जाते हैं। सेवन टॉपिक क्या आएगा? सेवन टॉपिक आएगा मोल फ्रैक्शन। क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। चलो सो मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन में आएगा एक्स ए और एक्स बी। एक्स ए का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट लिखना ये सब। एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए का मतलब क्या? एन ए का मतलब क्या? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और बी का मतलब क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए अपॉन एन ए प्लस बी। और एक्स बी का मतलब क्या आएगा? जब एक्स ए होगा तो एन ए ऊपर रहेगा, और एक्स बी रहेगा तो क्या ऊपर रहेगा? एन बी ऊपर रहेगा। बहुत सिंपल है भाई, कुछ है नहीं, एन ए प्लस एन बी। तो नीचे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो एक्स ए और एक्स बी ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड बात करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू टोटल 1 होता है, याद रखना ये, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो ये 7 क्वांटिटीज है जो अगर आप बात कर सकते हो रिलेटेड टू कि कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाउ कैन वी कैन मेजर, और यू कैन से हाउ वी विल आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो दीज आर द मेन 7 क्वांटिटीज। इसके ऊपर इस बार भी एक न्यूमेरिकल आया था बोर्ड में, 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कुछ एन ए सी एल या कुछ ऐसा था, उसका मोलालिटी फाइंड करना था, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आज के लेक्चर में से। बोर्ड में 2 या 3 मार्क का आने वाला है, ये पक्का है, फिर भी आप सीरियसली नहीं करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू,
सो आप अच्छे से करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत अच्छे से आपको एलिब्रेट किया, छोटा छोटा बताया, तो आप अच्छे से समझो और उसको डाइजेस्ट करने की ट्राई करो। नाउ आई एम पुटिंग द न्यूमेरिकल्स, आपको मैं न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, आपको सॉल्व करने की ट्राई करनी है, वन बाय वन मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी भेजूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस।